बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आई एम योर टीचर अनवर शास। स्टूडेंट्स, इट्स आवर सेकंड लेक्चर टुडे रिगार्डिंग द टॉपिक वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। इन द फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग दिस टॉपिक वी डिस्कस्ड डायनामिक वर्ब्स, stative verbs, we discussed transitive and intransitive verbs, we discussed finite and non-finite verbs, we discussed regular and irregular verbs, and we discussed infinitives. So it's our second lecture today regarding verbs and its types. Today we are going to discuss number one, helping verbs. Then we will discuss two types of helping verbs, which are auxiliary and modal verbs. Then we will come to very important linking verbs. After linking verbs, we will come to direct objects, indirect objects, subject complement, and object complement. Students, all these are very important topics regarding your paper. You always get questions from these topics in your paper, so you need proper attention for all these topics today. Okay, so we are starting our topic today, that is helping verb. Okay, what is helping verb? देखते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या है। पहले हम इसकी मुख्तसर सी तारीफ करेंगे। वैसे बेटा, इसका जो टाइटल है ये हमें बजाते हुए सजेस्ट करता है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। जी, कोई ऐसी चीज़ जो है जो आपके वर्ब्स की, मेन वर्ब्स की हेल्प के तौर पे यूज़ हो रही होती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वैसे इसकी हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज टूगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन। बेटा क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के साथ आएगा, मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। अ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज टूगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन। बेटा मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखी हैं, देखिएगा। द यंग मैन इज़ वर्किंग हार्ड। The young man is working hard. बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये जो word is है इसको underline किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे The young man is working, ये बेटा हमारा main verb है working यहाँ पे। तो helping verb क्या है, जब हम main verb से पहले कोई verb use करते हैं, that is your helping verb. तो is जो है आपका यहाँ पे helping verb है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, द वॉचमैन हैज़ अराइव्ड। बेटा ये जो हैज़ है यहाँ पे, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ये आपके मेन वर्ब अराइव से पहले यूज़ किया जा रहा है, ये परफेक्ट की फॉर्म में यूज़ हुआ है। He will open the door. बेटा ये जो will है आपका यहाँ पे, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आपके मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जा रहा है। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आपके मेन वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं। ये आपके मेन वर्ब्स को असिस्ट कर रहे होते हैं, मेन वर्ब का टेंस बताने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। तो इनका मेन काम जो है वो सपोर्ट करना होता है आपके मेन वर्ब को। तो बेटा इनकी रिकग्निशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हमेशा आपने क्या देखना है, अगर किसी मेन वर्ब से पहले इस एम आर वाज वर्ब वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, तो बेटा वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। ओके बेटा, हेल्पिंग वर्ब की फर्दर टू टाइप्स हैं, फर्दर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। बेटा कौन कौन सी टू टाइप्स हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स की? नंबर वन देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड नंबर टू मॉडल वर्ब्स। बेटा हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किया। हेल्पिंग वर्ब आपके मेन वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं, मेन वर्ब की हेल्प के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब उसकी हमने दो फर्दर टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। वो दो फर्दर टाइप्स क्या हैं, नंबर वन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड नंबर टू मॉडल वर्ब्स। तो बेटा देखिएगा कि
auxiliary verb क्या है और modal verb क्या है. पहले हम देखेंगे auxiliary verb को. They are used to express tense or to add emphasis. The three common auxiliary verbs have multiple forms. बेटा अमूमन जो आपके auxiliary verbs हैं उन्हीं को helping verb कहा जाता है या helping verbs को auxiliary verb कहा जाता है. अमूमन ऐसे किया जाता है. ये interchangeable हैं एक दूसरे के साथ. तो auxiliary verb क्या है बेटा? Auxiliary verb helping verb की ऐसी types हैं जो तीन forms में use किए जाते हैं. तीन फॉर्म्स हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स की जो कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं. वो कौन कौन सी थ्री फॉर्म्स हैं? तीन फॉर्म्स हैं. एक टू बी की फॉर्म, एक टू हैव की फॉर्म और एक टू डू की फॉर्म. जी बेटा बी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन वगैरह. ये सारी जो बी की फॉर्म्स हैं ये वो हैं. हैव की फॉर्म कौन सी है? हैज, हैव और हैड जो यूज किया जाता है. और डू की फॉर्म कौन सी है? डू, डज और डिड. बेटा मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा जो कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स की एग्जाम्पल्स हैं. पहले बेटा टू बी की, इज, एम, आर, वाज, वर्ड की जो एग्जाम्पल हैं ये हमने यहाँ ऊपर भी मेंशन की हुई हैं. ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस वहां पे लिखा था, द यंग मैन इज वर्किंग हार्ड. बेटा ये देखिए, ये हमने यहाँ पे ऊपर हेल्पिंग वर्ब में भी ये एग्जाम्पल लिखी थी. तो बेटा ये किस किस्म का हमारा हेल्पिंग वर्ब है? ये ऑक्सिलरी है. ये बेटा टू बी की फॉर्म है. इज, एम, आर, वाज, वर जो है ये हमारी टू बी की फॉर्म है. बेटा एक और एग्जाम्पल, हम टू हैव की एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे. टू हैव जो हमारी दूसरे किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब है. देखिएगा जरा, ही has completed his work. बेटा ये देखें यहां पे, has ये to have की फॉर्म है. ऑक्सिलरी की हमारी दूसरी टाइप है यहां पे has की. जी हाँ, has और have की. ऑक्सिलरी जो है बेटा टू डू की फॉर्म भी आपकी ऑक्सिलरी की फॉर्म होती है. टू डू की फॉर्म भी ऑक्सिलरी की फॉर्म होती है जिसमें हम डू और डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं. ही डिड नॉट कम. बेटा ये जो आपने डू यूज किया, डिड यूज किया है, ये भी बेटा आपका ऑक्सिलरी है. ये टू डू की कैटेगरी में आएगा. तो बेटा हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किए हैं. हेल्पिंग वर्ब में आगे हमने हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरीज डिस्कस करना शुरू की है. उसमें पहली कैटेगरी जो है वो ऑक्सिलरी की है. ऑक्सिलरी की तीन फॉर्म्स हो सकती हैं. वो इज, एम, आर, वाज, वर में यूज हो सकते हैं. वो हैज, हैव, हैड में यूज हो सकते हैं. और वो डू, डज और डिड में यूज हो सकते हैं. बेटा तीनों की तीनों हमने जो है ऑक्सिलरी की टाइप्स डिस्कस की हैं. जी बेटा ये पहली हमारी टाइप होगी हेल्पिंग वर्ब की. दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं बेटा. जी दूसरी टाइप हमारी कौन सी है? मॉडल वर्ब्स. जी बेटा ये भी हेल्पिंग वर्ब की एक टाइप है. मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की एक टाइप है. ऑक्सिलरी डिस्कस होगी, अब हम मॉडल की तरफ जाते हैं. तो बेटा देखते हैं मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं हमारे. मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. और इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं, बल्कि मेजर वर्ब कौन कौन से हैं जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं? कैन. कैन के साथ बेटा और क्या? कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू. बेटा ये सारे के सारे हमारे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हैं. हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड टाइप मॉडल वर्ब्स. जी हाँ, ये हमारे सारे के सारे वर्ड्स हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स के तौर पे यूज करते हैं. और हमने पहली बात ये पढ़ी है, ये हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. बेटा फंक्शंस क्या है? हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि मॉडल वर्ब्स के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. वो फंक्शंस क्या है मॉडल वर्ब के? बेटा ये पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं. मैं साथ साथ बेटा आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि किस तरह मॉडल वर्ब
लोग के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन बेटा क्या है कि ये पॉसिबिलिटीज को शो करेंगे। मॉडल वर्ब कैसे बेटा? पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे। बेटा आपने मे यूज किया जो कि एक मॉडल वर्ब है, हमने यहां पे पढ़ा है मे एक मॉडल वर्ब है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है। और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहां पे? पॉसिबिलिटी बता रहा है। इट मे रेन टुडे, मुमकिन है आज बारिश हो। बेटा पहला फंक्शन हमारे मॉडल वर्ब का जी। सेकेंड, परमिशंस के लिए बेटा हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब को। बेटा आप अक्सर यूज करते हैं मे आई कम इन सर, बच्चे क्लासरूम में दाखिल होते हैं और पूछते हैं मे आई कम इन जी। तो बेटा यहां पे मॉडल वर्ब जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? बेटा परमिशन का, इजाजत ली जा रही है, मे आई कम इन। तो मॉडल वर्ब का बेटा जो सेकेंड फंक्शन है वो परमिशन का है। फिर बेटा ऑब्लिगेशंस, कोई चीज आप पे फर्ज कर दी जाती है, कोई चीज आप पे आयद कर दी जाती है, यू हैव टू डू दैट, ऑब्लिगेशन होती है आपकी। ऑब्लिगेशन देखिएगा बेटा, ऑब्लिगेशन की भी हम जरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ऑब्लिगेशन क्या है? यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। बेटा आपने मस्ट यूज किया, मस्ट ऑब्लिगेशन है, ये लाजम करार दे दिया जाता है कि आपने ये काम जरूर करना है। तो यहां पे देखें आपका मॉडल वर्ब जो है वो ऑब्लिगेशन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल वर्ब के बाद लगाई जाती है जी। तो बेटा हमने तीन फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं अभी। कौन कौन से तीन फंक्शन अभी हमने डिस्कस किए? हमने बेटा पॉसिबिलिटी डिस्कस की, हमने परमिशन डिस्कस की, हमने ऑब्लिगेशन डिस्कस की। एबिलिटी, एबिलिटी को शो करता है यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। बेटा ये कैन जो है ये शो कर रहा है आपकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी को कि आप कुछ कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब का बेटा फिर देखें फॉर्म फर्स्ट ही यूज हो रही है इसके साथ। मॉडल वर्ब का नेक्स्ट फंक्शन क्या था हमने देखा? ये एबिलिटी को शो करता है बेटा। देन नेसेसिटी को बेटा शुड यूज करते हैं, यू शुड कम अर्लियर, यू शुड कम अर्ली जी। बेटा यहां पे देखें ये आपने शुड यूज किया, ये आपकी नेसेसिटी है, यहां पे आपको बताया जा रहा है आपको ऐसा करना चाहिए। जी हाँ बेटा, हमने मॉडल वर्ब्स के जो है वो फाइव फंक्शंस बेटा यहां पे पढ़े हैं। ये पॉसिबिलिटीज को शो कर सकते हैं, ये परमिशंस को शो कर सकते हैं, ये ऑब्लिगेशंस को शो कर सकते हैं, ये एबिलिटीज को शो कर सकते हैं और ये नेसेसिटीज को शो कर सकते हैं। तो बेटा हमने हेल्पिंग वर्ब की दो टाइप्स पढ़ी हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो आगे तीन फर्दर पार्ट्स में, कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। टू बी इज एम आर वाज वर्ब की कैटेगरी, टू हैव हैज हैव हैड की कैटेगरी, फिर टू डू डू डज और डिड की कैटेगरी। ये बेटा हमने ऑक्सिलरी पढ़े, फिर हमने मॉडल्स पढ़े। ये मॉडल स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और इनके जो फंक्शंस हैं वो हमने एक एक करके डिस्कस किए। बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा मैंने नहीं देखा कि पिछले सालों में कोई आपका पेपर जो है, पिछले सालों का कोई पेपर आपका लिंकिंग वर्ब के बगैर बना हो। बेटा जब भी हेल्पिंग वर्ब का जिक्र आता है उसके साथ आपके एग्जाम में लिंकिंग वर्ब का जिक्र भी जरूर आता है। बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकिंग वर्ब। आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब क्या होता है। जी बेटा लिंकिंग वर्ब, अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस to inform about the subject. Linking verbs do not describe action. बेटा करेगा क्या आपका linking verb? Linking verb ने करना क्या है? बेटा linking verb आपके subject को, आपकी
जो आगे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है उससे सिंपली अटैच करता है, उससे लिंक करता है। बेटा ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये सिंपली क्या करेगा, ये आपके सब्जेक्ट को, आपके सब्जेक्ट की जो डिटेल है उसके साथ कनेक्ट कर देगा। बेटा आइएगा जरा इंपॉर्टेंट हमारे लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। जी बेटा, तीन किस्म के बेटा लिंकिंग वर्ब्स आपके होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने मॉडल वर्ब की एक एक चीज़ की हमने साथ एग्जांपल दी, यहाँ पे भी मैं आपको लिंकिंग वर्ब्स जो हैं उनकी एग्जांपल दूंगा। बेटा सबसे पहले टू बी वाले लिंकिंग वर्ब बिल्कुल वैसी जैसे ऑक्सिलरी में आपने टू बी पढ़ा था बेटा, इसी तरह अब आप लिंकिंग वर्ब में भी देखेंगे कि टू बी वाले लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। बेटा इज, एम, आर, वाज, वर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बेटा आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आपको फर्क कैसे पता चलेगा। इज, एम, आर, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब्स भी हैं। तो बेटा हमने फर्क कैसे कायम करना है। बेटा आपने हेल्पिंग वर्ब में ये देखा था कि इन वर्ड्स के फौरन बाद मेन वर्ब यूज होता है, आपने लिखा था ही इज प्लेइंग। बेटा यहां पे ये जो आपने इज यूज किया था ये हेल्पिंग वर्ब था क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले यूज किया जा रहा था। लेकिन अब बेटा ऐसा नहीं होगा लिंकिंग वर्ब में। लिंकिंग वर्ब में जब आप ये वर्ड यूज करेंगे तो इन वर्ड्स के बाद मेन वर्ब यूज नहीं होगा, आप सिंपली लिखेंगे ही इज अ गुड स्टूडेंट। बेटा वही इज जो कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ही इज प्लेइंग, यही इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये क्या कर रहा है आपके सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल है उसके साथ उसको लिंक कर रहा है यहां पे। इसके बाद देखें आपने कोई मेन वर्ब नहीं लगाया कि आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहें कि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सिर्फ कनेक्ट कर रहा है आपके सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ। तो बेटा लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स योर सब्जेक्ट्स विद द इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। जी बेटा हमने बहुत सारे यहां पे लिंकिंग वर्ब्स देखे हैं, टू बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब की इज, एम, आर, वाज, वर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। बेटा बस ध्यान ये रखना है इन वर्ड्स को यूज कर रहे हो तो इसके बाद आप मेन वर्ब ना लगाएं। बेटा देखें कोई सा भी, मैं इनमें से एक और वर्ड लेता हूं आपको मजीद डिस्क्राइब करने के लिए, जरा देखिएगा, कोई सा भी मैं वर्ड ले देता हूं, मैं वाज बीइंग ले लेता हूं, ही वाज बीइंग स्टडींग। बेटा आप देखें यहां पे मैंने वाज बीइंग यूज किया जो कि टू बी की एक फॉर्म है, लेकिन वाज बीइंग के बाद मैं मेन वर्ब लगा रहा हूं वाज बीइंग स्टडींग। तो बेटा ये यहां पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले यूज किया जा रहा है। अब इसी वाज बीइंग को मैं लिंकिंग वर्ब के तौर पे कैसे यूज कर सकता हूं, देखिएगा, ही वाज बीइंग बिजी। बेटा अब यही वाज बीइंग जो है यहां पे एक एडजेक्टिव से पहले यूज किया जा रहा है, ये वर्ब नहीं है मसरूफ, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो बेटा यहां पे ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपके सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल है उसे लिंक कर रहा है। तो बेटा आपका लिंकिंग वर्ब क्या करेगा, आपके सब्जेक्ट को लिंक करता है आपके सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उससे। बेटा लिंकिंग वर्ब तीन तरह के हैं, एक टू बी की फॉर्म्स बहुत सारी होती हैं, इज बी, एम, आर, वाज, वर, इज बीइंग, एम बीइंग, फिर हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारी बेटा बी की फॉर्म्स हैं।
लेकिन आपने इनके बाद मेन वर्ब यूज नहीं करना बेटा. मेन वर्ब यूज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे. अगर आप इनके बाद एडजेक्टिव यूज करेंगे या कोई नाउन इस्तेमाल करेंगे तब बेटा ये हमारा लिंकिंग वर्ब बनेगा. वर्ड्स वही हैं, आप उनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, आप उनको लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. जी जरा दूसरी कैटेगरीज भी देखते हैं हम अपने लिंकिंग वर्ब्स की. तो बेटा टू बी की कैटेगरी, टू बी की कैटेगरी के बाद सीम और बिकम. बेटा इन दो आपके ये जो वर्ब हैं सीम और बिकम, हमेशा बेटा इनको ट्रू लिंकिंग वर्ब कहा जाता है. ट्रू लिंकिंग वर्ब. रीजन क्या है? सीम और बिकम हमेशा लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज होते हैं. ही बिकेम हैप्पी, ही बिकेम हैप्पी. बेटा ये क्या है? बिकेम, बिकेम के बाद आप एडजेक्टिव की फॉर्म यूज कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बता रहे हैं, दरमियान में एक लिंकिंग वर्ब लगा के. शी सीम्स डिजेक्टेड, हमेशा लिंकिंग वर्ब. सीम्स हमेशा लिंकिंग वर्ब, हमेशा लिंकिंग वर्ब क्या करेगा? सब्जेक्ट की डिटेल कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है यहां पे. और ज्यादातर इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद ज्यादातर हम एडजेक्टिव की फॉर्म लगाते हैं. जैसे यहां पे हमने हैप्पी लगाया, यहां पे हमने जो है वो डिजेक्टेड लगाया. जी बेटा लिंकिंग वर्ब सीम और बिकम हमेशा जो है हमारे, हमने कहा है कि वो हमारे ट्रू लिंकिंग वर्ब्स हैं. आगे बेटा तीसरी हमने एक और कैटेगरी बनाई है, कुछ कॉमन हमने लिंकिंग वर्ब्स लिखे हैं. लेकिन बेटा ये लिंकिंग वर्ब जो हैं ये आपके लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, ये आपके एक्शन वर्ब्स के तौर पे भी यूज होते हैं. मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको कि आपके ये जो वर्ब्स मैं बता रहा हूँ, ऊपर मैंने ये जो सीम और बिकम कहे ये मैंने ट्रू लिंकिंग वर्ब कहे, हमेशा लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं. लेकिन ये जो नीचे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, स्मेल, ग्रो, लुक, प्रूव, अपीयर, रिमेन, साउंड, टेस्ट, टर्न, स्टे, गेट और फील, बेटा ये आपके लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, ये आपके एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकते हैं. एक और बात बेटा यहां पे जान लीजिए, वो ये कि जब मैं आपको स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स बता रहा था तो मैंने कहा था कि हमारी ज्यादा टाइप्स जो होती हैं वो डायनेमिक वर्ब्स की टाइप्स होती हैं. सिर्फ एक लिंकिंग वर्ब हमारा ऐसा आएगा जिसका ताल्लुक स्टेटिव वर्ब से होगा. बेटा यहाँ पे ये जो मैं वर्ब्स यूज कर रहा हूँ इनमें से मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो हैं वो स्टेटिव वर्ब्स हैं, हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं. बिल्कुल वो जो आपने वहां पे वो वर्ब्स पढ़े थे, जो डिटेल आपने वहां पढ़ी कि कैसे कोई वर्ब डायनामिक बनता है, कैसे कोई वर्ब स्टेटिव बनता है, बेटा यहां भी उस बात को आप जहन में रखेंगे. जी ये बेटा मैंने स्मेल का एक वर्ड मैंने यहां से लिया, स्मेल. तो बेटा स्मेल का वर्ड जो है ये आप सिंपली एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्टेटिव वर्ब के तौर पे या लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक्शन वर्ब में उस एक्शन को सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया होता है. ही इज स्मेलिंग द फ्लावर्स. बेटा ही इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, हमें पता चल रहा है ये स्मेलिंग का जो फंक्शन है हमारे सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है. बेटा यहां पे ये एक्शन वर्ब है, मैं लिखूं ही स्मेल्स द फ्लावर्स, सेम बात है बेटा. सेम बात है, क्या है ये एक्शन जो है आपका सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है यहां पे. बेटा आप इसी स्मेल को मैं लिंकिंग या स्टेटिव की फॉर्म में कैसे यूज कर सकता हूं? दिस फ्लावर स्मेल्स बैड या गुड. जी बेटा
आप देखें ये मैंने स्मेल्स का वर्ड यहां पे भी यूज किया, स्मेल का वर्ड यहां पे भी यूज किया, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पे दिस फ्लावर स्मेल्स बैड, क्या ये स्मेल का जो फंक्शन है इस फ्लावर ने परफॉर्म किया है? नहीं किया बेटा। यहां पे ही स्मेल्स द फ्लावर में ये स्मेलिंग का काम इस सब्जेक्ट ही ने किया है, लेकिन जहां पे आप देखें दिस फ्लावर स्मेल्स गुड, तो ये जो स्मेल्स का फंक्शन है ये इस फ्लावर ने परफॉर्म नहीं किया बेटा। ये सिंपली यहां पे क्या कर रहा है? ये हमारे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है हमारे एक एडजेक्टिव के साथ। तो बेटा ये लिंकिंग वर्ब भी है, ये स्टेटिव वर्ब भी है यहाँ पे। यहाँ पे ये एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब ये वाला स्मेल है। तो बेटा एक ही वर्ब हमारा जो है, एक ही वर्ब जो है वो एक्शन भी हो सकता है और वही लिंकिंग वर्ब में भी जा सकता है। एक और एग्जांपल बेटा अगली बात की तरफ जाने से पहले, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए, मैं यहाँ से कोई सा भी एक और वर्ड उठा लेता हूँ, जैसे कि ये अपीयर है, अपीयर। तो बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बात जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल जहाँ से मैं एक और वर्ब यहाँ से उठा लेता हूँ, अपीयर, जैसे कि द बॉयज appear in the examination। जी बेटा ये मैंने appear यूज किया यहां पे। देखिएगा एक और सेंटेंस लिखता हूं, the boys appear ugly। बेटा सेम सब्जेक्ट The boys, same verb, appear, appear। लेकिन यहां पे आप देखें कि ये जो appear का फंक्शन है इन boys ने परफॉर्म किया यहां पे। The boys appear in the examination, ये लड़के एग्जाम में appear होंगे, ये आपका यहां पे appear जो है action verb है। लेकिन बेटा यहां पे the boys appear ugly, बेटा ये उनका ugly नजर आना जो है बॉयज का, ये इन्होंने परफॉर्म नहीं किया एक्शन यहां पे। बेटा ये आपका लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है यहां पे, ये स्टेटिव की फॉर्म यूज हो रही है यहां पे। तो बेटा लिंकिंग वर्ब क्या करता है? आपके सब्जेक्ट को, आपके सब्जेक्ट को लिंक करता है आपकी सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उससे। और ज्यादातर ये जो हमारी कैटेगरी है वर्ब्स की जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इनके बाद हम मैक्सिमम एडजेक्टिव यूज करते हैं। The boys appear ugly, ये भी एक हमारा एडजेक्टिव है। तो बेटा लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स हमारे लिंक करते हैं हमारे सब्जेक्ट को आगे एडजेक्टिव के साथ, मुमकिन है किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, लेकिन इनके बाद हम मेन वर्ब यूज नहीं करते। ये सिर्फ सेंटेंस को, सब्जेक्ट को लिंक करने का काम कर रहे होते हैं, लिहाजा हम इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जी बेटा अगले हमारे जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन, द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट इज बेनिफिशियरी। बेटा पहले ये बात एक जहन में रख लें, ये हमारे, हमें ये क्वेश्चन दिया कब जाता है पेपर में? बेटा उस वक्त दिया जाता है जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं। एक ही सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं तो पेपर सेटर हमसे ये जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि आप बताएं इन दोनों में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। बेटा जब एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा हो आपके जो है वो वर्ब के बाद, तो बेटा उस वक्त वो आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं पूछेगा। उस वक्त वो आपको, उस वक्त वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे उस वक्त उसने आपसे पूछना है कि दोनों में से कौन सा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बेटा सेंटेंस में लिखता हूं उससे फिर हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या बात हो रही है। जी ही सेंट
me a gift. एक और सेंटेंस लिखते हैं. My father bought my sister a laptop. बेटा दो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने. He sent me a gift. कौन से दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं बेटा? ये मी भी एक ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट है. दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं बेटा. यहां पे देखें, माई फादर बॉट माई सिस्टर एक ऑब्जेक्ट, अ लैपटॉप दूसरा ऑब्जेक्ट. बेटा जब दो ऑब्जेक्ट्स आपके एक ही सेंटेंस के अंदर यूज होंगे तब पेपर सेटर जो है आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो बेटा हमने डेफिनेशन में पढ़ा, द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन एंड विच आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपके ख्याल में एक्शन को रिसीव कर रहा है और कौन सा वो सब्जेक्ट है जो एक्शन को रिसीव भी कर रहा है और व्हाट के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है. ही सेंट. अब बेटा यहां पे आके मैंने क्वेश्चन पूछना है व्हाट, और दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो भी इसको आंसर कर रहा होगा मी या गिफ्ट में से बेटा वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ही सेंट व्हाट, क्या भेजा उसने? तो भेजा बेटा उसने गिफ्ट भेजा. तो जो चीज व्हाट के क्वेश्चन को आंसर करती है बेटा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है. ये बेटा गिफ्ट जो है ये सेंट का एक्शन भी रिसीव कर रहा है यहां पर. फिर सुन लें, यहां पे ही सेंट क्या चीज भेजी उसने, क्या क्या के क्वेश्चन को क्या आंसर करता है? अ गिफ्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और बेटा जो बेनिफिशियरी होता है उसका फायदा उठा रहा होता है, टू होम को जो आंसर करेगा, फॉर होम को जो आंसर करेगा, किसको किसके लिए, तो बेटा ये जो मी है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो बेनिफिशियरी होता है यहां पे. दूसरे सेंटेंस में देखें, माय फादर बॉट, अब्बा जान ने कुछ खरीदा है. अब क्या खरीदा है? दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या के बारे में बताता है? अब्बा जान ने क्या खरीदा बेटा? अ लैपटॉप. जो चीज क्या को आंसर करेगी वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जी लैपटॉप. और बेनिफिशियरी कौन है, किसको उस लैपटॉप का फायदा पहुंच रहा है, टू होम फॉर होम किसके लिए, माय सिस्टर. बेटा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो बात जहन में रखिएगा, पेपर में आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तब पूछा जाता है जब एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है और व्हाट के क्वेश्चन को आंसर करता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हमारा टू होम फॉर होम के क्वेश्चन को आंसर करता है और जो बेनिफिशियरी होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आखिरी बेटा दो बातें जो हमने आज के अपने लेक्चर में करनी है, लास्ट टू जी बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमने अभी डिस्कस किया है. अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है ये भी ज़रा देखते हैं बेटा. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज द एडजेक्टिव noun or pronoun that follows a linking verb. बेटा अभी बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है लिंकिंग वर्ब के बारे में, बहुत डिटेल हमने अभी पढ़ी कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है. बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद जो हमारा एडजेक्टिव यूज किया जाता है या कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है वो बेटा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. अभी देखें, हमने लिंकिंग वर्ब के साथ सेंटेंसेस बनाए थे. हमने लिखा ही seems busy. बेटा ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, अभी हमने डिस्कस किया. ये बिजी क्या है यहां पे बेटा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है.
जो चीज आपके सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रही है, कंप्लीट कर रही है, वो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है जी। और एग्जांपल देखें, ही इज अ स्टूडेंट, ये इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब हम उसके बाद मेन वर्ब यूज करते हैं। यहां पे मेन वर्ब यूज नहीं हो रहा, एक नाउन यूज हो रहा है यहां पे बेटा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। और ये जो हमने आगे डिटेल बताई है नाउन की फॉर्म में, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके वो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो आपके नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का तालक लिंकिंग वर्ब के साथ है जी। आखिरी बात बेटा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से हमें बात समझ में आ रही थी, कोई ऐसी चीज है जो कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करती है। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है? कोई ऐसी चीज होगी जो हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगी। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कोई ऐसी चीज जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करती है, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कोई ऐसी चीज जो हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करती है। बेटा एग्जांपल्स देखते हैं हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की जी। द जोकर मेड the children happy। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, we found the watchman honest। दो सेंटेंसेस बेटा हमने लिखे, द जोकर मेड द चिल्ड्रन, इसका मतलब है बेटा हमारा द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन यहां पे ऑब्जेक्ट है हमारा। इस सेंटेंस में देखें, वी फाउंड द वॉचमैन, वॉचमैन हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। द जोकर मेड द चिल्ड्रन, क्या किया बच्चों के साथ उसने, हमें डिटेल नहीं पता। हम एक कंप्लीमेंट लगाएंगे एडजेक्टिव की फॉर्म में या नाउन की फॉर्म में जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। द जोकर मेड द चिल्ड्रन हैप्पी। बेटा आप ये जो ऑब्जेक्ट के बाद हैप्पी लगा रहे हैं एडजेक्टिव की फॉर्म में, ये क्या कर रहा है? आपके ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। और वी फाउंड द वॉचमैन ऑनेस्ट, वी फाउंड द वॉचमैन, यहां पे बात मुकम्मल नहीं हो रही, इस बात को कंप्लीट होना है। ऑब्जेक्ट पे बात कंप्लीट नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट के साथ हमने कुछ यूज करना है जो हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा। बेटा वी फाउंड द वॉचमैन ऑनेस्ट, हमने चौकीदार को पाया, क्या पाया? ऑनेस्ट। तो बेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। अक्सर बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में। बेटा वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं। यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, उस एक ऑब्जेक्ट के बाद एक कंप्लीमेंट यूज किया जाता है जो उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। वो बजाते खुद ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या करता है? हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। बेटा यहाँ पे हमारे आज हमारा आज का टॉप आज का मेन टॉपिक ख़त्म हो रहा है। मैं आपको बस ज़रा रिवाइज कराना चाहूँगा कि आज हमने क्या किया अपने इस टॉपिक में। बेटा हमने वर्ब की जो फर्दर टाइप्स हैं वो कुछ डिस्कस किए हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की, हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑक्सिलरी ये टू बी टू हैव और टू डू के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और मॉडल वर्ब्स जो होते हैं कैन कुड मे माइट वुड शुड ऑट
वगैरह होते हैं. तो ये दो टाइप्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की हैं. फिर हमने लिंकिंग वर्ब्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से इस तरह डिफरेंट है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद मेन वर्ब लगाया जाता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं होता. ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट को लिंक कर रहा होता है सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ. फिर बेटा हमने लिंकिंग वर्ब के जो हैं वो तीन डिफरेंट कैटेगरीज कह लें हमने पढ़ी, टू बी लिंकिंग वर्ब, और फिर सीम और बिकम जो कि ट्रू हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, और फिर हमने कुछ और कॉमनली यूज लिंकिंग वर्ब यूज़ किए जो कि बेटा लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं. फिर बेटा लास्ट में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा. एक ही सेंटेंस में जब वो दो ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा तो एक उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. हमने डिटेल पढ़ी कि कैसे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और फिर फाइनली हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा. ऐसा सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो कि हमारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बेटा ये हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है. तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था. अब हमारा बेटा वर्ब के हवाले से सिर्फ हमने जेरंड और पार्टिसिपल डिस्कस करना है. बाकी वर्ब की जितनी भी डिटेल बनती थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली है. इंशाल्लाह एक और लेक्चर में हम जेरंड और पार्टिसिपल डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा वर्ब का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. बेटा इसको तवज्जो से देखिएगा, और क्यूरी सेशन में अपने टीचर से जो भी आपको क्यूरीज हों, आपको परेशानी हो, वो उनसे डिस्कस करने की कोशिश कीजिएगा. बेटा इजाज़त चाहूँगा आपसे, अल्लाह हाफिज़.